नमस्कार मित्रों, कॉम्पटीरिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कॉम्पटीरिया निःशुल्क यूट्यूब चैनल है जिसका एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पिछले मध्यकालीन भारतीय इतिहास के व्याख्यान में हमने इल्तुतमिश की राजवंशी राजतंत्र की स्थापनाओं पर चर्चा, मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा किया और शासक वर्ग के गठन जिसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण तुर्कदास, तजीक, इकता व्यवस्था, उसके साथ ही साथ सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत और न्याय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, राजवंशी राजतंत्र की स्थापना, सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा की। अब हम बिना समय गवाए मध्यकालीन इतिहास के क्रम में साहित्य की चर्चा करते हैं। इल्तुतमिश विद्वानों द्वारा और तथा इल्तुतमिश विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। उसने मंगोल आक्रमणों के कारण मध्य एशिया और इस्लामी प्रदेशों से भागकर आए हुए सभी योग्य व्यक्तियों और राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया और समकालीन विद्वान मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजीउद्दीन को उसका संरक्षण प्राप्त था। निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनेदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी और फखरुल मुल्क इशामी जैसे योग्य व्यक्तियों को उसने दरबार में आश्रय दिया था। निजामुल मुल्क जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इल्तुतमिश ने मदरसों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना और उसका नामकरण मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइज्जी रखा और इन्हीं के नाम पर बदायूं में भी एक मदरसे की स्थापना की। नासिरी मदरसा की स्थापना भी इल्तुतमिश ने करवाई थी। अब इल्तुतमिश की धार्मिक नीति का हम वर्णन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत जीवन में इल्तुतमिश अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। मिनहाजुद्दीन सिराज ने उसके संबंध में लिखा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु और महात्माओं या विद्वानों का सम्मान करने वाला दूसरा कोई शासक नहीं हुआ। इल्तुतमिश रात्रि का पर्याप्त समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। वह सूफी संतों जैसे कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीमुद्दीन नागौरी और शेख जलालुद्दीन तबरेजी, इसी प्रकार शेख बहाउद्दीन जकारिया और शेख नक्शवी का बड़ा आदर करता था। दरबार में धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन कर उलेमा वर्ग को भी संतुष्ट करता था। इल्तुतमिश ने रहस्यवादियों के सद्भावना से पूरा लाभ उठाया। शेख बहाउद्दीन जकारिया की सहायता से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसे शमसी तालाब के निर्माण में सहायता दी। इस्माइल सियाओं का विद्रोह इल्तुतमिश के समय में हुआ था, परंतु इल्तुतमिश ने उसका दमन कर दिया। हमने सल्तनत काल, ममलूक वंश की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि इल्तुतमिश के राज व्यवस्था, धार्मिक नीति, मुद्रा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सबकी चर्चा हमने। अब अंततः हम इल्तुतमिश का मूल्यांकन करेंगे। आरंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण स्थान था। भारत में तुर्की सत्ता के विकास में इल्तुतमिश का उल्लेखनीय योगदान है। उसने मध्य एशियाई राजनीति से नाता तोड़कर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र एवं वैधानिक स्वरूप प्रदान किया।
एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्णतः भारतीय था। इल्तुतमिश एक साहसी सैनिक और योग्य सेनापति होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक था। उसने भारत में 9 तुर्की राज्य को शक्तिशाली और संगठित किया और उस पर अपने अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित रखा। मंगोल आक्रमण के संकट से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया। के ए निज़ामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था और इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार इल्तुतमिश ने ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर खिलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता की पराकाष्ठा पर पहुंचा। उसके पथ प्रदर्शन के लिए कोई परंपरा नहीं थी और उसने अपना मार्ग स्वयं चुना। अपने परिश्रम और दूरदर्शिता से वह अपने राज्य को संगठित किया। उसे मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ शासक माना जाता है। आर पी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से होता है। इल्तुतमिश ने राज्य की सीमा का निर्धारण कर उसे सुदृढ़ किया। उसने राजा का पद और राजत्व सिद्धांत की स्थापना की। उसका शासन दृढ़ था लेकिन बर्बरतापूर्ण नहीं था। उसने कबीर खां अयाज नामक अपने एक दास को, जो मुल्तान का राज्यपाल पद पर असफल रहा, उसे वहां से हटाकर दंडित न कर उसकी जीविका के लिए पलवल ग्राम प्रदान किया। निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद से 1265 ईस्वी तक बलवन के राज्यारोहण तक दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास अस्थिरता से प्रभावित रहा, क्योंकि इस काल में इल्तुतमिश के वंशजों और उसके द्वारा संगठित 40 दल के सरदारों के बीच राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इस काल की 2 मुख्य विशेषताएं थीं कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना और तुर्की अधिकारियों की महत्वाकांक्षाएँ। 40 दल के सदस्य शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखना चाहते थे, इसलिए वे इल्तुतमिश के वंशजों को केवल नाम मात्र का सुल्तान बनाए रखना चाहते थे। इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन 1229 ईस्वी में असामयिक उसकी मृत्यु के कारण इल्तुतमिश के सामने उत्तराधिकार चुनने की समस्या उत्पन्न हो गई। उसके शेष पुत्र अयोग्य और विलासी थे। जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर गया तो वह दिल्ली का शासन अपनी पुत्री रजिया के अधिकार में छोड़ गया। रजिया ने अपना दायित्व इतनी कुशलता से पूरा किया कि ग्वालियर से लौटने के तुरंत बाद 1932 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने मशरिफ़े ममलकत ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को आदेश दिया कि वह रजिया को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मनोनयन पत्र तैयार करें। उत्तराधिकार के प्रश्न पर इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे पुत्र भोग विलास में ग्रस्त हैं और कोई भी शासन करने योग्य नहीं है। वे इस राज्य का शासन नहीं कर सकते। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उसके समान शासन कोई अन्य नहीं कर सकेगा। ग्वालियर अभियान के बाद एक संस्मारक मुद्रा प्रचलित की गई जिस पर इल्तुतमिश के साथ रजिया का नाम अंकित किया गया। रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत करना एक असाधारण निर्णय था। इससे पूर्व तुर्कों के बीच किसी महिला के शासक के रूप में कार्य करने का कोई उदाहरण नहीं था। उलेमा वर्ग भी इसे शरीयत के विरुद्ध मानते थे।
राज परिवार में रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। उसकी सौतेली माँ शाह तुर्कान अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाने के लिए चालीसा दल के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। इल्तुतमिश के समय का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी भी रजिया के विरुद्ध था। अतः इल्तुतमिश के मृत्यु के दूसरे दिन अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। आज का कॉम्पटेरिया का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का रोमांचक लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, जिनका कार्यकाल 1236 ईस्वी, कॉम्पटेरिया पर यूपी पीसीएस प्री, यूपी ट्रिपल एससी पीटी और यूपी पीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बहुत ही अच्छे लेक्चर्स चल रहे हैं, जिस सीरीज़ में हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है। हिस्ट्री में मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स प्रारंभ किए हैं, आगे मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स प्रारंभ किए जाएंगे। कॉम्पटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियोज़ का लाभ लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती है। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें, प्रकृति को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाएं। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।